आदाब नमस्कार, कैसे हो आप? आइए दोस्तों, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि टाइल आपको किस तरह से लगानी है। जो आप ये वुडन टाइल देख रहे हो, लकड़ी की टाइल, इसको आपको लगाना किस तरह से है, तो ये थोड़ा सा मैं आपको डेमो करके दिखा देता हूँ, क्योंकि हमारे भाई जो वीडियो देखते हैं, तो वैसे तो मैंने सारा तरीका हर वीडियो में दिखा रखा है, लेकिन फिर भी पता नहीं कौन सी वीडियो आदमी कौन सी देख ले, उसको पता नहीं चल पाता। तो ये वीडियो भी मैं उसी टॉपिक पर अपलोड कर रहा हूँ कि ये टाइल लगा किस तरह से जाती है। अब आप इसकी बैक साइड देखिए, इधर बैक साइड और करो, ये बैक साइड देखिए आप इसकी बैक साइड पे कोई भी सपोर्ट नहीं होती। अभी इसको इस तरह से आपको बैक साइड पे, जिस तरह से ये हमारे मिस्त्री साहब करके दिखा रहे हैं, इसको पूरी पे आपको बैक साइड में फेविकोल इस तरह से आपको लगा लेना है, फेविकोल लगा लेना है। और फिर आपको ये इस तरह से यहाँ पर प्लाई के ऊपर, जो आपने दीवार में प्लाई इंस्टॉल की है, ये प्लाई के ऊपर इस तरह से लगा, जिस तरह से देखो ये तीर कमान बिल्कुल खड़ा आ रहा है, आपको इस तरह से लगानी है। साइड से ऐसे नहीं लगानी जिस तरह से हमारे मिस्त्री साहब करके दिखा रहे हैं, ज़रा इसको इस तरह से बिछा के दिखाओ, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं लगानी है, क्योंकि इस लग तो इस तरह से भी जाएगी, लेकिन जब आप ऐसे लगाओगे इसको खड़ा करके, तो इसका डिज़ाइन और भी ज़्यादा खूबसूरत आएगा। तो समझ गए होंगे, आपको पट करके इसको ये बिठा के इसको नहीं लगानी है, बल्कि जब आपको इसको दीवार में लगानी है तो ये वाला आपको स्टाइल लेना है, इस स्टाइल में आपको लगानी है, तो ये आपको पता चल जाएगा। अब ये टाइल वहीं पर छोड़ दो और दूसरी टाइल इसके बराबर में आप लगा करके ये दिखाइए। तो प्लाई में पहले आप दीवार के अंदर पहले आपको प्लाई इंस्टॉल कर लेनी है सही करके, जैसे आप ये देख रहे हो, ये 6 mm प्लाई मैंने यहाँ पर लिया है। इस 6 mm की प्लाई को, 6 mm की प्लाई को आपको ले लेना है, और उसके बाद में इस प्लाई को लगाने के बाद में सारी जितनी भी आपकी टाइलें जो भी लगानी है, बैक साइड में आपको ये फेविकोल लगा लेना है, और फेविकोल लगाने के बाद में आपको ये प्लाई के ऊपर पेस्टिंग कर देनी है। प्लाई के ऊपर जब आप पेस्टिंग करोगे इसकी, उसके बाद में आपको ये चार कोनों पर, आप बताओ चारों कोनों पर कैसे इसको छोटी कील लगानी है। यहाँ ये देखना, ये यहाँ ये आप बता रहे हैं हमारे कारपेंटर साहब के, चारों कोनों पर इसको आपको छोटी एक कील लगा लेनी है। तो ये आपने देखा कि जब ये चार टाइल्स एक जगह लगी, तो इनका डिज़ाइन कितना सुंदर, कितना बेहतरीन डिज़ाइन निकल करके आया। ये मैं आपको बीच का इसका ये डिज़ाइन आपको ये दिखा रहा हूँ कि जब ये चार प्लाई एक जगह लगी, तो ये बीच में स्टार कैसे बना है, और जो इसकी डिज़ाइनिंग है ये कितनी खूबसूरत और कितनी सुंदर डिज़ाइनिंग इसकी निकल करके आई है। तो देख लिया आपने, ये डेमो थोड़ा सा मैंने आपको करके दिखाया। तो इसी तरह से आपको अपने घर में कारपेंटर कोई भी होगा, जब ये हमारी वीडियो देखेगा, तो उसको सब समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से टाइल से लगाई जाती है, क्योंकि जब कारपेंटर थोड़ा सा भी डेमो देख लेगा तो वो सारा समझ जाएगा। बाकी जो भाई कहते हैं कि हमें ये कैसे लगानी है, तो आप टेंशन बिल्कुल ना हो, अगर आपको कारपेंटर कोई नहीं मिलता है, तो ये सुविधा हम अपने यहाँ से भी आपको ये सुविधा मिल जाएगी, हम अपना कारपेंटर भेजेंगे और आपके यहाँ बिल्कुल ये इंस्टॉल करा देंगे। तो दोस्तों, कोई भी होलसेलर है या कोई भी दुकानदार अगर हमारी वीडियो को देख रहा है, तो हमसे ये होलसेल में आप माल मंगा सकते हो, होलसेल रेट में। और रिटेल के लिए अगर आपको कोई कारपेंटर ये टाइल लगाने वाला नहीं मिलता, तो ये सुविधा कहीं भी पूरे आप हिंदुस्तान के अंदर हमसे सुविधा ले सकते हैं, हम अपना कारपेंटर भेज करके ये टाइल आपके यहाँ लगवा देंगे। तो दोस्तों, आपको ये आइडिया पसंद आया होगा और ये टाइल भी पसंद आई होगी, देख करके लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बिल्कुल भी देर ना करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।